ठीक है जी। तो अभी हमने बात की है कि अल्फा स्पेक्ट्रम जो होता है वो डिस्क्रीट होता है, एंड बीटा डिके स्पेक्ट्रम जो होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है। अल्फा डिके स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट क्यों है? बिकॉज यहाँ पे एनर्जी लेवल्स इन्वॉल्व है। अगर दो एनर्जी लेवल इन्वॉल्व रहेंगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फोटोन निकलेगा, जो अल्फा पार्टिकल निकलेगा, वो डिस्क्रीट एनर्जी का निकलेगा। लेकिन जैसे ही बीटा डिके की बात होती है तो वहाँ पे तीन पार्टिकल, थ्री पार्टिकल एमिशन है, तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो जो है एनर्जी शेयर करेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी ले जाएगा तो न्यूट्रिनो के पास एनर्जी कम बचेगी, अगर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कम होगी तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो न्यूट्रिनो उसके पास एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो इट विल बी शेयरिंग ऑफ एनर्जी बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो, इस वजह से ये कॉन्टिन्यूस ग्राफ होता है। दूसरा चीज मैंने जो बताई है कि जो आपको लोअर एंड पे आपको कट देखने के लिए मिलता है, ये वाला पोर्शन, वो वाला बताया है कि आपको पास जो कुलम्बिक रिपल्शन होती है बिटवीन दी प्रोटो, कुलम्बिक अट्रैक्शन होती है बिटवीन दी प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन, इट विल हिंडर द इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी न्यूक्लियस। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपके पास जो लोअर एंड है वो आपके शिफ्ट हो जाएगा, मतलब आपको जो ग्राफ है वो ऐसा नहीं दिखेगा, रादर देन वो फॉरवर्ड में मूव कर जाएगा। तो ये वाला पोर्शन आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देता, तो ये वाला काम आप यहाँ पे देख सकते हो। ये आपको इंटरव्यू क्वेश्चन भी हो जाते हैं। चलिए बेटा, उसके बाद बात आ जाती है यहाँ पे ग्लोबल न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज, आज हम डिस्कस करेंगे जो आपका फर्स्ट टॉपिक है। तो सिस्टेमैटिक्स इन न्यूक्लियर मास एंड बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर मासेस की सिस्टेमैटिक्स देखी जाएगी। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आपके पास न्यूट्रॉन एंड जो अगर आप न्यूट्रॉन नंबर एंड प्रोटॉन नंबर का ग्राफ प्लॉट करें तो स्टेबल न्यूक्लियस के लिए कभी भी स्टेबल एक स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, इट विल बी शिफ्टिंग टुवार्ड्स द न्यूट्रॉन साइड। बिकॉज जैसे जैसे आपका न्यूक्लियस का साइज बढ़ेगा तो वैसे वैसे आपके पास नंबर ऑफ प्रोटोन जैसे 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 ज्यादा बढ़ते जाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रोटोन एंड प्रोटोन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो एक नंबर से ज्यादा अगर प्रोटोन हो गए तो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबल न्यूक्लियस के लिए क्या होगा कि आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा होने चाहिए एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। तो न्यूट्रॉन होने की वजह से कोलम्बिक रिपल्शन नहीं रहेगी न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन में, लेकिन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन के केस में रिपल्शन, कोलम्बिक रिपल्शन वगैरह देखने के लिए मिलेगी। तो जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो स्टेबल रहेगा उसमें ज्यादा न्यूट्रॉन रहेंगे रादर देन प्रोटॉन्स। तो ये वाली जो चीज है, ये आपकी स्टेबिलिटी लाइन है, वो न्यूट्रॉन की तरफ झुक जाती है, तो न्यूट्रॉन लाइन जो है वो उसकी तरफ बढ़ जाएगी। तो इसको हम सैगरे प्लॉट का नाम भी देते हैं, तो इसको आप देख सकते हैं, स्टेबिलिटी वैल्यू इसको बोला जाता है, ये आप देख सकते हैं। न्यूक्लियर साइज बेटा डिपेंड करेगा, न्यूक्लियर साइज एंड न्यूक्लियर शेप्स, मैंने न्यूक्लियर फिजिक्स में पीएचडी किया है तो काफी तरह की न्यूक्लियर शेप्स आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। कुछ पियर शेप्स न्यूक्लियस में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, कुछ नियरली स्फेरिकल न्यूक्लियस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, कुछ आपको एलिप्सॉइडल, आपको जैसे में प्रोलेट हो गया या फिर ऑब्लेट शेप हो गई, ऐसे न्यूक्लियस भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जहाँ डेफरमेशन जो है वो जो हाइपर डेफरमेशन टाइप, जहाँ आपको और भी कई तरह की डेफरमेशन आपको मैं देखने, सुपर डेफरमेशन वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाती है, मतलब काफी ज्यादा इलांगेशन आपको न्यूक्लियस की देखने के लिए मिल जाएगी डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसिस एंड द मास नंबर। तो न्यूक्लियर साइज वेरिएबल होता है, एंड उसकी जो अगर हमने उसका प्रेडिक्ट करना है, न्यूक्लियस रेडियस पर प्रेडिक्ट करना है, तो न्यूक्लियस रेडियस फाइंड आउट करने के 50 तरीके दे रखे हैं यहाँ पे, एंड उसमें हम उसको मोस्टली न्यूक्लियर डेंसिटी से डिफाइन करते हैं कि जहाँ पे न्यूक्लियस की डेंसिटी एक लिमिट से कम हो जाती है उसको हम न्यूक्लियर रेडियस का नाम दे देते हैं। तो मेथड टू डिटरमिन द न्यूक्लियर रेडियाई मास स्पेक्ट्रोग्राफी के काफी सारी टेक्निक्स यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी। सो न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक मूवमेंट्स, न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में बात करेंगे, मल्टीपोल मूवमेंट्स, क्वाड्रुपल मूवमेंट की बात करेंगे। जो क्वाड्रुपल मूवमेंट है न्यूक्लियस के शेप के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन देती है, अगर क्वाड्रुपल मूवमेंट जीरो है तो न्यूक्लियस जो है नियरली स्फेरिकल रहेगा, अगर क्वाड्रुपल मूवमेंट नॉन जीरो होगी मतलब न्यूक्लियस जो है वो स्फेरिकल नहीं है, उसमें डिफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है। तो स्फेरिकल स्फेरिसिटी से अगर न्यूक्लियस डिफर करेगा तो वहां पे आपके पास क्या रहेगा, यहाँ पे क्वाड्रुपल मूवमेंट आ जाएगी। तो क्वाड्रुपल मूवमेंट उसको हम क्यू से लिखते हैं, एंड या इस केस में ये नॉन जीरो रहेगी, इस केस में भी ये नॉन जीरो रहेगी, एंड इस केस में जहाँ पे हमारे पास स्फेरिकल शेप आ गई वहां पे ऑलमोस्ट ये जीरो को कॉरेस्पॉन्ड करेगी। ठीक है जी, जैसे ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम है, ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम आप देखेंगे तो वहां पे काफी सारी दिक्कत, जो आपके पास क्वाड्रुपल मूवमेंट आएगी स्मॉल वैल्यू आएगी, मतलब ऑलमोस्ट स्फेरिकल है लेकिन एग्जैक्टली जीरो नहीं है। ठीक है, ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम भी आप समझेंगे। ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर स्टेट्स, मतलब किसी भी एनर्जी लेवल के बारे में आप क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसके क्वांटम नंबर प्रिडिक्ट कर सकते हैं या उसकी स्पिन एंड पैरिटी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग काफी सारे फिनोमेना होंगे, मतलब अगर पैरिटी चेंज करेगी नहीं करेगी, स्पिन कितना डिफरेंस हो सकता है दो एनर्जी के लेवल के बीच में, सो दैट दे कैन हैव ए ट्रांजिशन, मतलब ट्रांजिशन रूल्स आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो काफी सारी क्वांटम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे स्टडी कर पाएंगे। तो ये इस चैप्टर का बेटा ओवरव्यू है जो आज हमने यहाँ से डिस्कस करना है।
सो काफी सारी हिस्ट्री बेटा आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है. डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर हैज ऑलवेज बीन एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एटॉमिक थ्योरी प्रपोज्ड बाय द साइंटिस्ट डाल्टन इन 1803. तो 1803 से स्टोरी स्टार्ट हो चुकी है बेटा. पहले उन्होंने पहले काफी सारे वेरियस मॉडल एक्सप्लेन किए गए थे, प्रेडिक्शंस की गई थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे जैसे एक्सपेरिमेंटल फीचर आते गए, जैसे जैसे रदरफोर्ड मॉडल इवॉल्व हुआ, उस वहां से पता चला कि जो न्यूक्लियस है वो किसी तरबूज की तरह नहीं है या फिर कोई एक फिक्स्ड बॉडी नहीं है, उसमें रोटेटिंग एलिमेंट्स अवेलेबल हैं जैसे इलेक्ट्रॉन है या न्यूट्रॉन या प्रोटॉन है, वो कभी भी एक जगह पे बैठे नहीं रहेंगे, दे विल ऑलवेज बी इन रोटेशनल मोशन. सो मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एटम वाज ऑब्टेंड फ्रॉम द रेडियोएक्टिविटी फेनोमेना एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड बाय द बेकरेल इन 1896. तो रेडियोएक्टिविटी जो था उसने इसको ट्रिगर किया था, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर फिजिक्स जो है वहां से. So, मतलब के कोई भी जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल क्यों होगा, या वो रेडिएशन क्यों इमिट करेगा, अगर इमिट करेगा तो अल्फा पार्टिकल क्यों इमिट करेगा, अगर बीटा पार्टिकल है तो बीटा पार्टिकल इमिशन है तो बीटा क्यों इमिट कर रहा है, अगर अल्फा नहीं निकल रहा है बीटा नहीं निकल रहा है तो इनविजिबल रेडिएशन जो है वो गामा फोटोन वहां से क्यों निकल रहा है. ये सारे की सारी जो एक्सप्लेनेशन है वो धीरे धीरे पिक्चर में आई है, जिसको अंडरस्टैंडिंग करने में काफी टाइम लग गया. सो इन दिस फिनोमेना वी इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स एमिट अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन. अमंग दीज रेडिएशन बीटा रेडिएशन आर सिमिलर टू एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स, मतलब बीटा पार्टिकल जो होता है इट इज सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन, बट जो बीटा पार्टिकल है उसको हम न्यूक्लियर ओरिजिन का बोलते हैं एंड जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम एटॉमिक ओरिजिन का बोलते हैं. मतलब एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसको सिंपल इलेक्ट्रॉन से अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल निकलेगा तो उसको हम इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, अगर न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसको हम बीटा पार्टिकल का नाम देते हैं. तो न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के बीटा पार्टिकल होंगे, एक इलेक्ट्रॉन रहेगा एक पॉजिट्रॉन रहेगा. तो पॉजिट्रॉन इमिशन एज वेल एज इलेक्ट्रॉन इमिशन इज आल्सो पॉसिबल फ्रॉम द न्यूक्लियस, लेकिन ये ऐसे एज सच न्यूक्लियस के अंदर अवेलेबल नहीं रहेंगे, दे विल बी सिंथेसाइज एट द मोमेंट व्हेन इट इज रिक्वायर्ड फॉर द इमिशन. ठीक है, जे.जे. थॉमसन ने काफी सारा काम किया था, स्टार्टिंग में मॉडल दिया हुआ था. So atomic nucleus was discovered by the scientist Lord Rutherford in 1911 from the experimental observation of the scattering of alpha particles from the thin gold foil. So gold foil एक famous experiment है, इसके ऊपर आपको movie भी मिल जाएगी internet के ऊपर. तो काफी सारा literature आपको animation की form में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है. तो gold foil के corresponding आपके पास क्या था, उसके ऊपर alpha particle shoot किए गए थे. Because gold foil जो है ये भी atom के साथ बनी हुई है, ultimately क्या होगा इसमें भी atoms रहेंगे एंड मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स दे वर एबल टू पास थ्रू द गोल्ड फॉयल, लेकिन कुछ एलिमेंट्स थे जिनमें से जो अल्फा पार्टिकल थे वो वापस आ गए थे. मतलब न्यूक्लियस जो है वो कुछ अल्फा पार्टिकल्स को रिपेल कर रहा था, एटम जो है कुछ अल्फा पार्टिकल को रिपेल कर रहा था, कुछ उसके थ्रू पास हो रहे थे. मतलब इसमें क्या हो गया कि डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी आपके पास पैटर्न कैसा आ रहा है आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि एटम के अंदर है क्या. 90% मोर देन 90% अल्फा पार्टिकल पास थ्रू हो रहे थे और लेस देन 10% आपके पास जो पार्टिकल थे वो वापिस आ रहे थे. इसका मतलब ये हुआ कि एटम जो है मोस्टली एम्प्टी है, लेकिन उसके अंदर एक कोई ऐसी बॉडी बैठी हुई है जो आपको बैक स्ट्राइकिंग कर रही है, मतलब बैक स्कैटरिंग को अलाउ कर रही है, जिसकी वजह से क्या निकला कि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रिडिक्ट किया गया बाय दी Rutherford. So he proposed that the whole positive charge as well as the mass of the atom is concentrated in the circular region with a diameter of the order of 10 raised to power minus 15 meter. And इसको हम बोलते हैं 1 femtometer. Femtometer 10 raised to power minus 15 meter के बराबर होता है. Known as the atomic nucleus. Later on the 1913, Bohr explained the spectrum of the hydrogen atom by assuming a simple atomic model which incorporated the atomic number Z and the mass number A. तो बोहर ने इसको एक्सप्लेन किया, बिकॉज जो हमारे पास रदरफोर्ड था उसने कोई भी रोटेटिंग बॉडी प्रिडिक्ट नहीं की थी, काफी सारी जो मोमेंटम कंजर्वेशन थे वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, मतलब काफी सारी जो डिस्क्रिपेंसी थी जो रिमूव करी गई हैं, दैट इज दे आर विद बाय रिमूव्ड बाय द केस ऑफ बोहर. बोहर ने एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का रूल दिया था, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर केस. सो बोहर एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय अज्यूमिंग ए सिंपल एटॉमिक मॉडल. मतलब बोहर ने काफी सारी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था, मतलब हाइड्रोजन एटम से जो आपके पास रेड लाइन निकलती है वो क्यों निकलती है वो भी आपको पता होना चाहिए. वो आपके जो बीएससी में अगर आपने पढ़ा हो तो वहां से आपको पता चल जाएगा, हाइपरफाइन स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ेंगे तो डिटेल मिल जाएगी.
ठीक है जी, विच विद एडवांसमेंट्स इन क्वांटम मैकेनिक्स मैक्स प्लैंक प्रपोज द क्वांटम ऑफ रेडिएशन एंड नेम्ड इट एज फोटोन इन 1900 सेंचुरी। तो काफी सारी क्वांटम मैकेनिक्स में एडवांसमेंट हुई है, फोटोन का नाम आपने सुन चुके हैं। सो लेटर ऑन द बेसिक मॉडल प्रपोज्ड बाय रदरफोर्ड वाज मॉडिफाइड बाय द डी ब्रोगली, श्रोडिंगर, हाइजेनबर्ग, पॉली एंड डिराक। तो काफी सारी मॉडिफिकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो सारी डिटेल में नहीं जाएंगे। उसके बाद हमारे पास काफी सारे, मैंने लास्ट टाइम आपको आपके साथ डिस्कस किया गया था कि न्यू जैसे ही रदरफोर्ड ने मॉडल दिया था तो उसके बाद आपके पास क्या आ गया था कि सेंटर में न्यूक्लियस है, आउटसाइड में इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ पे मूव कर रहा है। लेकिन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन वाला मॉडल भी पॉसिबल नहीं था बिकॉज वहां पे भी डिस्क्रिपेंसी आ रही थी। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन वाला मॉडल सिंपल भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं था बिकॉज वहां पे स्पिन के प्रॉब्लम आपके सामने आ रही थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि एक नया पार्टिकल प्रिडिक्ट किया गया बाय दी चैडविक, जो इसकी डिस्कवरी उन्होंने की थी 1932 में, एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन इन साइड दी न्यूक्लियस प्रिडिक्ट किए गए, एंड आउटर बॉडी में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन प्रिडिक्शन हुई। तो ये वाला मॉडल जो है ऐसे बनाया गया था। तो आफ्टर दिस डिस्कवरी इट वाज प्रपोज्ड दैट एटॉमिक न्यूक्लियस विद मास नंबर ए एंड एटॉमिक नंबर जेड कंटेन्स जेड प्रोटॉन्स एंड ए माइनस जेड न्यूट्रॉन्स। मतलब अब आपका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर अंदर कितने प्रोटॉन्स रहेंगे, दे विल बी जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बिकॉज जो चार्ज है वो जेड के बराबर होना चाहिए, एंड इसके अंदर जो न्यूट्रॉन रहेंगे, टोटल अगर मास नंबर ए दिया हुआ है तो आपके पास क्या रहेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी गिवन बाय, आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी इक्वल टू टोटल मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो ये एन ए शुड बी इक्वल टू ए माइनस जेड के बराबर होना चाहिए। तो दिस शुड बी दी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, जेड प्लस ए माइनस जेड। तो टोटल बॉडी क्या रहेगी, मास नंबर के बराबर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। सो वन ऑफ द बेसिक प्रॉब्लम इन न्यूक्लियर फिजिक्स इज रिलेटेड विद द नेचर ऑफ द न्यूक्लियर फोर्सेस विच होल्ड द अनचार्ज्ड न्यूट्रॉन एंड द चार्ज्ड प्रोटॉन विद द विद इन द साइज ऑफ द 10^-15 मीटर के बराबर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। बेटा एक मिनट बेटा प्लीज। ओके ठीक है बेटा। सो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल गया कि जो हमारा मॉडल है वो रदरफोर्ड थॉमसन से डाल्टन से स्टार्ट हुआ था, थॉमसन तक गया, उसके बाद रदरफोर्ड आया, रदरफोर्ड के बाद काफी सारी इवोल्यूशन हुई है, चैडविक ने डिस्कवरी की है, एंड धीरे धीरे ये मॉडल टुवार्ड्स द परफेक्शन साइड मूव करता रहा। लेकिन अभी तक ये मॉडल परफेक्ट नहीं हुआ बिकॉज आज भी हम अगर थ्योरेटिकल में प्रिडिक्शन करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो एक्सपेरिमेंटल के साथ मैच करेगा ही करेगा। तो अगर आप एटॉमिक मास नंबर एक भी चेंज करते हैं, मतलब आप 100 की जगह 101 चूज करने की कोशिश करते हैं, एंड यू ट्राई टू प्रेडिक्ट आउट दी एक्सपेरिमेंटल फीचर्स थ्रू योर थ्योरेटिकल मॉडल, देन यू विल नॉट बी 100% श्योर दैट द रिजल्ट विल बी इन अकॉर्डिंग विद योर थ्योरेटिकल मॉडल प्रेडिक्शन। मतलब आप एक्सपेरिमेंटल फीचर को 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं प्रेडिक्ट कर पाएंगे कभी भी। तो अभी भी इसमें अनसर्टेनिटी रहेगी रहेगी। युकावा पोटेंशियल आपने शायद पढ़ा होगा बेटा क्वांटम मैकेनिक्स में। तो साइंटिस्ट युकावा इन 1935 प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ एक्सचेंज मिजोनिक फोर्सेस टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को बांधने के लिए, इनको एक साथ इकट्ठा रखने के लिए उन्होंने जो जो फोर्सेस चाहिए थी, उन दे वर काउंटेड फॉर बाय द एक्सचेंज फोर्सेस एंड इट वाज प्रेडिक्टेड बाय द युकावा इन 1935 टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, एंड इट वाज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज मिजोन दैट इज कॉल्ड पाई मिजोन्स एंड म्यू मिजोन्स। जो मिजोन होते हैं दे आर पार्टिकल जस्ट लाइक क्यू एंड क्यू बार, मतलब क्वार्क एंड एंटी क्वार्क का जो पेयर होता है उसको हम मिजोन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। बेरियन क्या होता है, जैसे प्रोटोन है, प्रोटोन को हम कैसे लिखते हैं, इसमें तीन क्वार्क होते हैं, ठीक है, उसमें अप अप एंड डाउन क्वार्क होता है, तीन क्वार्क्स का मिक्सचर होता है। जो मिजोन्स होते हैं उसमें क्वार्क एंड एंटी क्वार्क का पेयर होता है, बस इतना याद रखिए, ज्यादा डिटेल में मत जाइएगा अगर आपने प्रॉपरली पढ़ा हुआ है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ म्यू मिजोन्स एंड पाई मिजोन्स वाज एक्सपेरिमेंटली कंफर्मड इन 1936 एंड 1946 रिस्पेक्टिवली। तो जो एक्सचेंज फोर्सेस थी दे वर एबल टू अकाउंट फॉर दी एक्सचेंज नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस एंड दे वर एबल टू कंटेन दी पार्टिकल्स इनसाइड दी न्यूक्लियस। तो सिंस देन मैनी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैव बीन डिस्कवर्ड, हाउएवर द एग्जैक्ट नेचर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इज स्टिल अ मिस्ट्री एंड इट नीड्स मच प्रोग्रेस फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो हम अभी तक हमने जितनी भी मैंने आपसे बात की हुई है कि काफी सारी जितनी भी हमने अभी तक स्टडी की हुई है टेक केयर ऑफ मैनी एक्सपेरिमेंटल फीचर जो अभी तक हम प्रिडिक्ट करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम सारे की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे स्टडी कर पाए। ठीक है, एक मिनट। ओके ठीक है जी।
अभी तक हमने जितने भी एक्सपेरिमेंटल फीचर पढ़े हुए हैं या उसके कॉरेस्पॉन्डिंग थ्योरेटिकल मॉडल है, वो हम एक्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, वो मैंने अभी भी आपको बता दिया। मतलब ये हर एवर ग्रोइंग फील्ड है, लेकिन अभी तक काफी सारी सैचुरेशन आ चुकी है इसमें। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस क्या क्या रहेंगी, ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज रहेंगी। हाँ जी बोलो बेटा। सर क्या क्या करवा दिया आपने अभी तक? बेटा कुछ भी नहीं करवाया अभी मैंने, बेटा सिर्फ स्टार्ट किया है, अभी मैंने सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, अभी मैंने टॉपिक प्रॉपरली स्टार्ट नहीं किया है, बिकॉज यू आर स्टिल जॉइनिंग, इसलिए मैंने ज्यादा इसको फास्ट नहीं किया, अभी बस हिस्ट्री स्टार्ट सुनानी स्टार्ट की है, ठीक है सर, ठीक है ना। हाँ तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, मोस्ट ऑफ दी थिंग्स आर ऑलरेडी नोन टू यू। मैंने अभी अभी जैसे आपके पापा के साथ पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि प्रोटोन नंबर आप जेड के साथ लिखते हैं, न्यूट्रॉन नंबर आप एन के साथ लिखते हैं, इनका रिलेशन क्या होता है, जेड प्लस एन इज इक्वल टू कैपिटल ए। तो इसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं, जो आपका न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर होता है उसको आप जेड के साथ लिखते हैं, और जो मास नंबर होता है उसको आप ए के साथ लिखते हैं, एन को आप राइट हैंड साइड पे डिनोट कर सकते हो। तो इसको आप, ये स्टैंडर्ड इसका पैरामीटराइजेशन है, आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं। तो एटॉमिक न्यूक्लियस की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या रहेंगी, तो वेरियस फिजिकल फिनोमेना एसोसिएटेड विद न्यूक्लियर फोर्सेस आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। यहाँ पे दो तरह के फीचर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे न्यूक्लियस के, एक होंगी स्टैटिक प्रॉपर्टीज, दूसरा हो जाएगा बेटा डायनेमिकल प्रॉपर्टीज। स्टैटिक प्रॉपर्टीज अभी हमने डिस्कस करनी है, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। डायनेमिकल प्रॉपर्टीज जो रहेंगी वो हम इस यूनिट के नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करेंगे, जो मैंने बताया था कि कुछ ना कुछ पोर्शन हम रॉय एंड निगम से भी लेंगे। तो स्टैटिक प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, सो दीज प्रॉपर्टीज आर कंसर्न्ड विद द न्यूक्लियर मास, न्यूक्लियर साइज, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एंड क्वाड्रुपल मूवमेंट। मतलब ये इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज रहेंगी जो एवर नॉट नॉन चेंजिंग रहेगी, मतलब इसको इसका एनर्जी के साथ लेना देना नहीं है, आपकी डायनेमिक्स के साथ लेना देना नहीं है, इसका प्रोजेक्टाइल एंड टारगेट कॉम्बिनेशन के साथ लेना देना नहीं है। ये अगर हमने सिल्वर का न्यूक्लियस चूज कर लिया तो उसका मास नंबर सेम रहेगा हमेशा ही, न्यूक्लियर साइज सेम रहेगा, डाइपोल मूवमेंट सेम रहेगी, क्वाड्रुपल मूवमेंट सेम रहेगी। तो दैट इज इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द स्टेबल न्यूक्लियस। तो अगर न्यूक्लियस हम चूज कर रहे हैं उसकी ग्राउंड स्टेट प्रॉपर्टी होंगी मोस्ट ऑफ द टाइम, उसकी क्वांटम मैकेनिकल मूवमेंट्स रहेंगी, मास एंड उसका साइज रहेगा। ये सिंपल सी स्टैटिक प्रॉपर्टीज रहेंगी, इनकी हम बेसिक स्टडी करेंगे थ्रू आउट द रीजन। मतलब जैसे ही आप मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर की बात करेंगे उनका ट्रेंड कैसे आएगा, जैसे मतलब आप यहाँ पे लो मास नंबर में उसका बिहेवियर अगर स्ट्रेट लाइन है, एन वर्सेस जेड का प्लॉट करेंगे, लेकिन जैसे ही हम उसको थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे वो जो कर्व है वो शिफ्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसका जो ट्रेंड है वो हम देखेंगे कि आने वाले टाइम में कैसे कैसे इवॉल्व करेगा। क्वार्टर मूवमेंट का ट्रेंड बिल्कुल डिफरेंट आपको शो करेगा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बिल्कुल डिफरेंट शो करेगा, न्यूक्लियर साइज आपको डिफरेंट डिफरेंट रीजन में अलग अलग आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद बात आ जाती है बेटा डायनेमिकल प्रॉपर्टीज की। डायनेमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, इट कवर्स ए लार्ज नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज कंसर्न्ड विद द ग्राउंड एज वेल एज द एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ न्यूक्लियस। तो ये वाली एक्साइटेड स्टेट्स जो है ये हमारे लिए काफी ज्यादा काम की चीज है आने वाले समय में, जिसको हम पढ़ेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमें पता चलेगा कि न्यूक्लियस की एक्साइटेड स्टेट्स भी एग्जिस्ट करती हैं। जरूरी नहीं है कि सब न्यूक्लियस की एक्साइटेड स्टेट एग्जिस्ट करेंगी, जैसे ड्यूट्रॉन है, ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम है। ड्यूट्रॉन के कैसे होता है बेटा, 1d2 होता है। हाइड्रोजन में कितने होते हैं, एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन ही होता है, सिर्फ ओनली प्रोटॉन, जिसको हम हाइड्रोजन एटम कह देते हैं। ड्यूट्रॉन क्या होता है, एक प्रोटॉन एंड एक न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन होता है। ड्यूट्रॉन की जो एक्साइटेड स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती, वो ओनली ग्राउंड स्टेट ही रहती है। लेकिन जैसे हम इसकी एक्साइटेड किसी और न्यूक्लियस की बात करते हैं, जैसे लिथियम हो गया, या उसके बाद बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन, एंड जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उसकी एक्साइटेड स्टेट डिफरेंट डिफरेंट बिहेव करती दिखाई देंगी, उसको हम बोलेंगे डायनेमिकल प्रॉपर्टीज। अगर किसी न्यूक्लियस का कोई भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हायर एक्साइटेड स्टेट में बैठा होगा, वो हो सकता है हायर स्टेट में चला जाए या लोअर स्टेट में चला जाए। तो डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी लेवल एंड द डिफरेंस बिटवीन देम, उनकी सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज दिखाई देंगी। यहाँ से हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में अगर कोई ट्रांजिशन होगी तो वहां से कोई ना कोई फोटोन निकलेगा, उसको हम स्टडी करेंगे एंड उसको वेरीफाई करके हमें पता चलेगा कि दो लेवल का बीच का एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है। तो अगर हम गामा फोटोन से काफी चीजें निकाल सकते हैं, गामा फोटोन की पोलराइजेशन से उसकी स्पिन भी निकाल सकते हैं, एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें पता चल जाएगा कि कोई एनर्जी लेवल 2+ है, कौन सा एनर्जी लेवल 0+ है। अगर हमें ये पता चल गया तो हम पता कर लेंगे कि कौन सी ऑर्बिटल के ऊपर ये आपका न्यूक्लियस बैठा हुआ है, मतलब इसकी ग्राउंड स्टेट कौन सी है और इसकी एक्साइटेड स्टेट कौन कौन से लेवल के थ्रू पास हो रही है। तो मतलब इसकी एग्जैक्ट प्रेडिक्शन आप कर पाएंगे, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सारे की सारी आप स्टडी कर पाएंगे।
ठीक है. द इंफॉर्मेशन अबाउट दीज क्वांटिटीज एक्सप्लेन्स लाइफ टाइम ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज वेव फंक्शन स्पिन एंड पैरिटी ऑफ द न्यूक्लियस. तो काफी सारी प्रॉपर्टीज जो है आप यहाँ से एक्सप्लेन कर पाएंगे, आप प्रॉपरली इसका वेव फंक्शन डिजाइन कर पाएंगे, या एक ना एक कोई भी एनर्जी लेवल है उससे नीचे अगर उस वहां पे प्रोटोन बैठा हुआ है तो उसके वहां से नीचे डिके होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है उसको BM1 एंड PE2 उसको नाम दिया जाता है, उसको हम ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज का नाम देते हैं. तो ये वाली प्रेडिक्शन भी आप कर सकते हैं, यहाँ से हम किसी भी एनर्जी लेवल का लाइफ टाइम निकाल सकते हैं. तो ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज भी आप वहाँ पे स्टडी कर पाएंगे. बोथ द स्टैटिक एंड डायनेमिकल प्रॉपर्टीज आर हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द वेरियस मॉडल्स प्रपोज्ड फॉर द एटॉमिक न्यूक्लियस. तो जितने भी हमारे पास थ्योरेटिकल मॉडल है वो उसकी जो प्रेडिक्शन है हम एक्सपेरिमेंटल फीचर के साथ कंपेयर करेंगे. कंपेयर क्या करेंगे, स्पिन करेंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पैरिटी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग BM1 मतलब ट्रांजिशन प्रॉबेबिलिटीज, मतलब किसी एनर्जी लेवल से ट्रांजिशन होने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, BM1 हो गया, BE2 हो गया, उसका लाइफ टाइम कितना है, ठीक है. तो ये सारे की सारी जो प्रॉपर्टीज हैं ये हमारे काम की हैं, इसको कंपेयर करके हम पता कर सकते हैं कि जो हमने थ्योरेटिकल मॉडल डिजाइन किया है वो एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंटल फीचर को रिप्रोड्यूस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, या फिर हमने जो हैमिल्टोनियन लिखा है या लग्रांजियन लिखा है किसी सिस्टम का वो उसको मॉडिफाई करने की जरूरत है, या फिर दैट इज द एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर आर क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम. तो हर जगह आपको ये ऐसी चीजें देखने के लिए मिलेंगी. अब लेकिन मैंने आपको जैसे पहले बताया कि कोई भी सिस्टम एग्जैक्टली हम रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, मोस्टली हमें क्या करना पड़ता है, वी आर एबल टू एक्सप्लेन द रिजल्ट्स इन विद फ्यू अप्रोक्सीमेशंस. तो वो हम नेक्स्ट स्टेजेस में बात करेंगे. तो हमारा जो टाइम है यहाँ पे खत्म हो रहा है. तो थैंक यू वेरी मच बेटा. इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, बाकी चीजें हम बेटा नेक्स्ट टाइम में ही डिस्कस करेंगे.